सब कैसे हैं? आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसका परिचय देखते हैं कि हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े तो 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया था, यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा। यह स्पष्ट है कि विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र में देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर निरंतर विवाद कायम रहे। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जाति संघर्ष और संसाधनों के बंटवारों को लेकर भी झगड़े होते रहे। इन वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील और अनेक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक तथ्य निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्ष की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय के पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की भी चर्चा की जाएगी। तो पहला है कि दक्षिण एशिया क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना महत्वपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे देशों में पहुंचते हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ रहते हैं। शुरुआत में हम एक बुनियादी सवाल करें कि दक्षिण एशिया आखिर है क्या। अमूनन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की ओर इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही है कि उस महाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार को शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपर्युक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र मात्र और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में एक लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे कि इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों के भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है।
यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1909 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। 2008 में फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियों को लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह चली थी। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। भूटान राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणराज्य बना। यहाँ शासन और अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव में की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और MDP ने 2008 में हुए चुनावों में जीत भी हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा। इसके बावजूद दक्षिण एशिया देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों के हर वर्ग और धर्म में आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहले ये माना जाता रहा कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा। तो दक्षिण एशिया में बच्चों, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है नक्शा, ये लोकतंत्र में जन्म संग्रह के आधार पर है कि कितने लोग लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। तो ये नीला कलर दिख रहा है, यह है 28% लोग लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं, और ये जो छोटा सा येलो कलर दिख रहा है जिसको 10% लोग ऐसे हैं जिनको कि तानाशाही कभी कभी बेहतर लगती है। और ये बचा हुआ लाल है, ये 62% है, इसमें लोकतंत्र को लोगों ने बेहतर माना है। और ये जो 28% है, इसमें लोगों को लोकतंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दक्षिण एशिया का घटनाक्रम जो 1947 से लेकर 2007 नवंबर तक का है। अब है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी और जल्द ही अपना निर्वाचन भी उन्होंने करा लिया था। उनके शासनकाल में जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और
जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और सन 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो सन 1971 से लेकर 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को गिराया और 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और सन 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। सन निर्वाचित लोकतंत्र की व्यवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और मेजर परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी, हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक बताने के लिए चुनाव कराए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में कुछ न कुछ खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमा चौकड़ी में पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह की ताकतें सैनिक शासन जायज ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका और अन्य पश्चिम देश ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे यह देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएं। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिम हितों का रखवाला भी मानते हैं। अब है बांग्लादेश में लोकतंत्र। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के सख्त खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद यहाँ लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध बताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व शेख
मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अवामी लोग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई थी। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन तो किया और उन्हें वित्तीय और सैनिक सहायता भी दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुए। बांग्लादेश में अपना एक संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी देश तो घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। 1975 के अगस्त में सेना ने इसके खिलाफ बगावत कर दी और नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रही। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन से उठ खड़ी हुई। आंदोलन में आगे छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा और फिर 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम है। अब है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण रखा और नेपाल के लोकतंत्र की राह को अवरुद्ध कर दिया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई होने लगी। कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने स्वयं ही खत्म कर दिया। अब अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक बहुत प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली। तब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया।
और अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन जिसमें सेवन पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल अपने इतिहास में एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते हैं कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रहना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने संघर्षरत सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। अब है श्रीलंका में जाति संघर्ष और लोकतंत्र। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। और चुनौती थी सेना की थी, ना ही राजतंत्र की। सेना को जाति संघर्ष का सामना करना पड़ा जिसकी मांग कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। आज़ादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सहेली समुदाय के हितों के नुमाइंदे करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आपसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सहेली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सहेली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, जो 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको लिट्टे भी कहा जाता है, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करें। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले को प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया, और श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। और सन 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना सेना को वापस बुला लिया। श्रीलंका के संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बाद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के
झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रखी है। बच्चों, आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे।